सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फेमस हुए बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने आत्महत्या की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि कांता प्रसाद ने शराब के नशे में गुरुवार रात करीब 10:30 बजे नींद की गोली खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। पुलिस को मिली हॉस्पिटल से जानकारी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें कांता प्रसाद के आत्महत्या की कोशिश की जानकारी अस्पताल से मिली। फिलहाल वह खतरे से बाहर है और इलाज चल रहा है। कांता प्रसाद की पत्नी बादामी देवी ने पुलिस को बताया कि उनके पति पिछले कुछ दिनों से तनाव में थे। हाल ही में बंद हो गया था नया रेस्टोरेंट। पिछले साल वीडियो वायरल होने के बाद कांता प्रसाद की मदद के लिए बड़ी संख्या में लोग सामने आए थे और उन्हें लाखों रुपए की आर्थिक मदद की थी। आर्थिक मदद मिलने के बाद कांता प्रसाद ने पिछले साल दिसंबर में एक नया रेस्टोरेंट खोला था, जो इस साल फरवरी में बंद हो गया। रेस्टोरेंट में हर महीने हो रहा था हजारों का नुकसान। बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद का नया रेस्टोरेंट भारी नुकसान के बाद बंद हो गया था। रेस्टोरेंट का मासिक खर्च लगभग 1 लाख रुपए था, जबकि औसत मासिक बिक्री कभी 40,000 रुपए से अधिक नहीं हुई। कांता प्रसाद के खर्चे में 35,000 रुपए रेस्टोरेंट का किराया, 36,000 रुपए तीन कर्मचारियों की सैलरी और 15,000 रुपए राशन, बिजली और पानी के लिए शामिल है। रेस्टोरेंट पर धीरे धीरे ग्राहकों का आना कम होता गया और रेस्टोरेंट का खर्चा बढ़ने लगा। इसके बाद बाबा का ढाबा अपना रेस्टोरेंट जो उन्होंने खोल रखा था वो उन्हें बंद करना पड़ा। रातों रात चर्चा में आ गए थे कांता प्रसाद। बता दें कि पिछले साल यूट्यूबर गौरव वासन ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद और बादामी देवी का एक वीडियो शेयर किया था। इसके बाद उनकी किस्मत बदल गई थी और ढाबे पर खाने वालों की लाइन लग गई थी। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग उनकी मदद के लिए सामने आए थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने यूट्यूबर पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया था। गौरव वासन से माफी मांगकर रोने लगे थे कांता प्रसाद। हाल ही में यूट्यूबर गौरव वासन ने कांता प्रसाद से मिलने पहुंचे थे और कहा था कि गलती करने वाले से बड़ा हमेशा गलती को माफ करने वाला होता है, मेरे माता पिता ने मुझे यही सीख दी है। इससे पहले कांता प्रसाद एक वीडियो में गौरव से हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए थे।